मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सावन मास प्रारंभ होते ही शहर शिव की भक्ति में शिवमय हो गया। शहर के प्राचीन गढ़ कैलाश में राजाधिराज देवाधिदेव महादेव का विशेष श्रृंगार किया गया। आनंद कॉलोनी स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित महादेव का भक्तों ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इधर सावन के पहले सोमवार पर कावड़ यात्रा निकाली गई। कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में कावड़ियों के साथ श्रद्धालु महिला पुरुष भी शामिल हुए। कावड़ यात्रा रतलाम के धान मंडी से शुरू हुई और जिले के बिलपांक महादेव पहुंची। इस कावड़ यात्रा में बजरंगबली और महादेव की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही। कावड़ यात्रा का जगह जगह स्वागत भी हुआ। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष ने तलवार घुमाकर प्रदर्शन भी किया। जावरा शहर में इन दिनों चोरियों की वारदातें लगातार बढ़ रही है। बदमाश बेखौफ होकर रात तो ठीक दिन के समय ही चोरियों की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात शहर के रतलाम रोड स्थित कार्जू नगर और विद्युत कॉलोनी में चोरी की नियत से चड्डी बनियान गैंग सीसीटीवी में कैद हुई। रहवासियों की सतर्कता के चलते चोरी करने में असफल रहे, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से पुलिस गश्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दो दिन पूर्व ही राजीव कॉलोनी से अज्ञात बदमाश मोटरसाइकिल चुराने में कामयाब रहे हैं। बीती रात करीब 1:30 बजे रतलाम रोड स्थित कार्जू नगर विद्युत कॉलोनी में तीन चड्डी बनियान पहने अज्ञात चोर चोरी करने की नियत से कॉलोनी में दाखिल हुए थे, लेकिन कॉलोनी के एक मकान से किसी लड़की ने उन्हें देख लिया और सतर्कता बरतते हुए एक दूसरे को मोबाइल फोन पर बदमाशों की सूचना दी, जिस पर सभी कॉलोनी वासी सतर्क हो गए। इधर कॉलोनी वासियों की हलचल के चलते बदमाशों ने कॉलोनी में पत्थर भी बरसाए, जो कि सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कॉलोनी वासियों के जागने के बाद उस समय तो बदमाश वहां से भाग निकले, लेकिन उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि करीब आधे पौन घंटे बाद वापस उसी कॉलोनी में घुसे, लेकिन किसी भी घर को अपना निशाना नहीं बना पाए। रतलाम जिला मुख्यालय का सेजावदा बंजली बाईपास फोरलेन निर्माण पिछले 5 माह से हो रहा है। किसानों को जमीनों का मुआवजा दिए बगैर निर्माण कार्य 50% से अधिक हो गया है। इसके अलावा कुछ किसानों की जमीन पर जबरदस्ती निर्माण एजेंसी द्वारा मुरम डालकर सड़क निर्माण किया जा रहा है। रतलाम लोक निर्माण विभाग PWD की मनमानी को लेकर सोमवार को अपने हिस्से की जमीन लेने पर जबरदस्ती कब्जा करने के खिलाफ विरोध जताया गया। सोमवार दोपहर निर्माणाधीन रतलाम के सिजावदा बंजली फोरलेन पर बीती रात एक दर्जन से अधिक किसानों की कृषि भूमि पर मुरम डालने को लेकर किसान एकजुट हो गए। किसान नेता DP धाकड़ के नेतृत्व में मौके पर किसानों ने रतलाम लोक निर्माण विभाग PWD SDO PK रॉय के आगे जमकर नाराजगी जताई। किसान नेता धाकड़ ने SDO रॉय से कहा कि भू अर्जन की कार्रवाई बगैर आप कैसे किसी भी किसान की जमीन पर सड़क बना सकते हैं।
किसान नेता धाकड़ ने प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग पर किसानों की जबरदस्ती जमीन हथियाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी कह रहे हैं कि हमने किसानों से सहमति ली है, लेकिन मेरी आपत्ति है किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। रतलाम लोक निर्माण विभाग को राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार नपती करवाना चाहिए। अगर किसानों के हिस्से में उक्त जमीन नहीं है तो किसान इसका विरोध नहीं करेंगे और न ही मुआवजा लेंगे। ये जो रतलाम में एक बाईपास बन रहा है सेजावता बंजली, यहाँ पर आप देख रहे हैं रोड का काम 50% तक हो गया है, भू अर्जन की कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर किसानों के खेत में 12-12, 15-15 फीट ये रोड बना रहे हैं। जब किसान इनके पास बार बार जाकर के भू अर्जन की कार्रवाई की बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि हमने सहमति ले ली है। जो किसान हैं वो आवेदन देते फिर रहे हैं और पहली बार हम देख रहे हैं कि बिना भू अर्जन की कार्रवाई, भू अर्जन में धारा 12 का प्रकाशन होने के बाद ही कोई विभाग किसान की जमीन पर जाकर खड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं रोड बना दिया, आज दिन तक मुआवजा नहीं दिया और ये देने के लिए मना बोल रहे हैं। उल्टा ये कह रहे हैं कि जब पहले रोडें बनी थी तब किसानों को मुआवजा नहीं दिया, अब फोर लेन बन रहा है, अब पहले अगर फ्री में दे दी तब भी फ्री में दो, पहले दान में दे दी तब भी दान में दो। जिस तरीके से यहाँ विभाग और राजस्व विभाग की लापरवाही है उसको देखते हुए किसान बर्बादी की राह पर जा रहा है। कीमती जमीन जो लाखों रुपए करोड़ों देकर किसान ने खरीदी वो सरकार और ये PWD विभाग जबरिया कब्जा कर रहा है। हमने उनको कहा है, वो बोल रहे हैं हमारा कब्जा हो गया, मोहरम डाल दिया। बदमाश गुंडों की तरह विभाग भी आकर किसानों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हम यहाँ पर जब तक भू अर्जन की कार्रवाई नहीं होती है हमारी कृषि भूमि में इनको आने का अधिकार नहीं है और नहीं आने देंगे। कितने किसान हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, 2 किलोमीटर का रोड है, कहाँ पे 10 फीट जगह लिए, कहाँ 25 फीट लिए इन्होंने। ऐसे करीबन 200-300 किसान हैं, उन किसानों को अलग अलग इन्होंने समझा करके मोहरम डाल के दिन में नहीं रात में काम चला रहे हैं और ये रोड बनाने का काम कर रहे हैं। अब आगे भी काम चलेगा किस तरीके से? अगर ये यहाँ पर किसान खड़े रहेंगे, पहले भी यहाँ किसान खड़े रहे थे तो इनमें दिन में काम नहीं करा रात में करा, तो क्या किसान इन विभागों के बचने के लिए 24 घंटे यहाँ चौकीदारी करे? हमने इनको बोला कि भाई राजस्व विभाग की टीम बनाई जाए, राजस्व विभाग सीमांकन कर दे, अगर हमारी जमीन उसमें नहीं आती है तो हम उसको नहीं लेंगे। तो ये कहते हैं PWD वाले कि हम राजस्व विभाग को नहीं मानते हैं। राजस्व विभाग को नहीं मानते हो तो ये जमीन लेने आ कैसे गए? कलेक्टर SDM को ज्ञापन दिया या मांग की थी? हमने मांग करी थी और अभी भी सारे किसान यहाँ के अनुभागीय अधिकारी महोदय के पास जा रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे और हमारी मांग है कि जब तक हमारा निर्णय नहीं हो तब तक PWD यहाँ पर कोई काम नहीं करे, हम इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। किसान मदनलाल धाकड़ ने बताया कि उनकी कृषि भूमि में करीब 15 फीट चौड़ी और 60 फीट लंबाई की भूमि पर जबरदस्ती बीती रात निर्माण एजेंसी और अधिकारियों ने कब्जा कर लिया है। सोमवार को मौके पर किसानों ने प्रदर्शन के बाद SDM के नाम एक लिखित ज्ञापन भी सौंपा है। क्या समस्या आ रही, क्या रोड बना दी खेत में? PWD ने जबरन कब्जा करके जबरदस्ती मोहरम डाल दिया गया। तो आपसे कोई विभाग ने चर्चा करी थी या कोई? मेरे इनको ही बोला था भैया हमारी तो जमीन में डालोगा, तो बोले नहीं डालेंगे आपके, बिल्कुल नहीं, और एकदम फैला दिया कि मोहरम। कोई आवेदन वगैरह पूर्व में दिया था आपने, कोई लिखित में कोई दस्तावेज? लेकिन मैंने राय साहब को फोन लगाया था, बोले भाई हमारा पूर्व में कब्जा है और हमने कोई अधिग्रहण नहीं करी है सर, पूर्व में कब्जा मतलब आपके हो गई, मतलब आपकी नप्ती में कहाँ तक जमीन आ रही है? बोले हमारे जो लेआउट डाल रखा ना हमने, ये बताया आपको। अब आगे क्या करें? हम चाहते हैं कि राजस्व पूरी टीम बुला के पूरी नप्ती करा के जहाँ अगर इनकी आती है तो ले ले, हमारी मुआवजा दे हमको, सीधी सी बात, शासन के निर्देश अनुसार मुआवजा दिया जाए। महेश मित्र मंडल माहेश्वरी समाज का पारिवारिक मिलन समारोह जानकी मंडप बरबड़ में संपन्न हुआ, जिसमें समाज एवं मित्र मंडल के वरिष्ठ कन्हैयालाल सारला, रामेश्वर लाल बाहेती, शांतिलाल डाट, बंसीलाल बाहेती, लक्ष्मी नारायण मालपानी तथा सभी वरिष्ठ का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन मंडल अध्यक्ष प्रहलाद लड्ढा ने दिया। इस अवसर पर मित्र मंडल के सदस्य मोहनलाल तोशनीवाल, अशोक जाकेटिया, रमेश गेलड़ा, रमेश धुत, रमेश सोमानी, पूनम प्रकाश भंसाली, अनिल मुंद्रा, महेश तोशनीवाल, सुनील परवाल, गोपाल काबरा, गोपाल राठी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला सभा सचिव जितेंद्र तोशनीवाल ने किया एवं आभार श्याम झंवर ने किया।